हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में, और नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स भी ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। फिर आपको जाना है सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एंड आप ठीक कैसे कर पाएंगे, तो सिंपली आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करते ही जनरल सेटिंग्स पे चले जाना है। जनरल सेटिंग्स पे जाते ही आपके पास यहाँ पर रीसेट ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं, तो इस पर टैप कर देना है। टैप करते ही आपके पास ये ऑप्शन आता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, तो इस पर टैप करते ही आपके पास ये ऑप्शन भी आ जाएगा। तो इसके जरिए आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली जब आप इस पर टैप करते हैं, और जब भी आप नेटवर्क की सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को, तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करते ही आपकी नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करके भी नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप साथ में ही देख सकते हैं कि और भी ऑप्शंस आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं जिसका आप यूज़ करके नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ऑल सेटिंग्स को भी रीसेट करके नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका जो फ़ोन है रिस्टार्ट हो जाएगा और जो भी आपकी नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से भी नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।